भीषण सूखा पड़ने के कारण कनाडा में रेपसीड का 13 वर्षों का सबसे नीचा उत्पादन हुआ है। इसकी वजह से जापान और मेक्सिको जैसे आयातक देशों को इस प्रमुख तिलहन के आयात के लिए अन्य देशों का रुख करने और इसकी तुलनात्मक रूप से ऊंची कीमत का भुगतान करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि कनाडा के कैनोला की कीमत ऊंची बनी हुई है, इसलिए विश्व के सबसे बड़ा कैनोला निर्यातक देश के उपभोक्ताओं को मजबूरी वर्ष अन्य छोटे उत्पादक देशों को या फिर पाम तथा सोयाबीन तेल जैसे वैकल्पिक खाद्य तेलों की ओर देखना पड़ रहा है। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मुद्रा स्फीति पर दबाव पड़ा है। श्रमिकों की कमी और कीटों की वजह से भी इन तेलों की सप्लाई में कमी आ रही है। वहीं खाद्य उत्पादों से लेकर ईंधन, पशु आहार उत्पादकों तक के पास कैनोला की सप्लाई सामान्य से काफी कमजोर हो रही है। कैनेडियन ग्रेन एसोसिएशन के अनुसार वर्तमान वर्ष की 1 अगस्त तक की अवधि में कनाडा ने 388,000 टन कैनोला का निर्यात किया है। एक साल पहले की अगर बात करें तो उसकी तुलना में चालू वर्ष के आरंभिक 7 महीनों की अवधि में कनाडा का कैनोला एक्सपोर्ट 71% लुढ़क गया है। निर्यातकों की माने तो सूखे से प्रभावित फसल की कीमत तेज होने से पहले और बिक्री के लिए उपलब्धता सीमित होने के कारण केवल निर्यातक ही बिक्री कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा के क्रशर्स ने लगभग सारी कैनोला फसल खरीद कर ली है और आगे उनका मानना है कि लगभग पूरा बाजार सदमे जैसे हालात में अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। आमतौर पर कनाडा से कैनोला का आयात करने वाले लगभग सभी देशों के क्रेशर्स को आर्थिक घाटा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इस प्रमुख तिलहन की कीमत काफ़ी ऊपर पहुंच चुकी है। वहीं ICI का सर्वाधिक सक्रिय कैनोला वायदा $900 प्रति टन के आसपास बना हुआ है। वार्षिक आधार पर अगर देखा जाए तो ये कीमत 70% से भी अधिक है। एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड कनाडा के अनुसार हालांकि फसल वर्ष 31 जुलाई 2022 को खत्म होगा, परंतु कनाडा का कैनोला निर्यात 38% गिरकर 65 लाख टन होने की आशंका है। पिछले वर्ष हुए रिकॉर्ड 10.40 करोड़ टन प्रसंस्करण की तुलना में इस बार यह मात्रा लुढ़ककर 75 लाख टन रह सकती है। वहीं अगर बात करें, बीते अगस्त महीने में कुल 6,61,968 टन कैनोला का प्रसंस्करण किया गया है, यानी प्रोसेसिंग की गई है, जो कि 2.5 वर्षों की सबसे नीची मासिक मात्रा है। अनाजों और तिलहनों के अधिकारी अगर जानकारों की माने तो उनका मानना है कि ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन में इस वर्ष ऊंचा उत्पादन हुआ है, इसलिए उन्हें कनाडा में फसल पर आए संकट का लाभ हो रहा है और उनकी बिक्री बढ़ रही है। आमतौर पर कनाडा की तुलना में इन दोनों देशों का कैनोला निर्यात नीचा होता है। कनाडा के कैनोला के आमतौर पर चीन, जापान, मेक्सिको और संयुक्त अरब अमीरात बड़े आयातक देश हैं। चीन के खरीदारों की माने तो सामान्य से कमजोर सप्लाई होने और इसके साथ वर्तमान ऊंची कीमतों की वजह से चीन ने कनाडा के कैनोला की सीमित मात्रा में ही खरीद की है और उसने इसकी बजाय रूस और यूक्रेन से कैनोला तेल की खरीद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।